आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जी नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम, पुरानी नहीं चाहिए। वजह यह है कि देखो, जब वो अपने पहले पति को छोड़ करके दूसरे के साथ भग गई, ऐसे बंधु का क्या विश्वास करोगे आप? भगनी भगनी उसे आज नहीं, साल भर के बाद देखोगे आप, भग जाएगी वो 100%। कारोबार जो देश में ठप हुआ पड़ा, अगर वो ठीक होता हो, गरीब को रोटी मिलती हो तो ठीक होता हो, तो सीमा इधर को बुलाना चाहिए। अपना धर्म रिलीजन सब कुछ चेंज कर सकता है आदमी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, अगर चली जाए तो कौन सी बड़ी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए सीमा हैदर, जी हाँ, वही जो पाकिस्तान से नोएडा आई है। अब कहीं ना कहीं बोला जा रहा है नोएडा टू बॉलीवुड भी जाएगी वो। बिग बॉस 17 में सीमा हैदर और सचिन की एंट्री की बात चल रही है, तो आइए जनता से ही चर्चा कर लेते हैं कि क्या सीमा हैदर और सचिन को बिग बॉस 17 में बुलाना चाहिए? क्या ये राइट बनता है उसका? क्या कहना चाहेंगे आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम, बुलाना नहीं चाहिए। वजह यह है कि देखो, जब वो अपने पहले पति को छोड़ करके दूसरे के साथ भग गई, तो ऐसे बंदों का क्या विश्वास करोगे आप? हाँ जी, बिल्कुल विश्वास नहीं उसका। तो क्या लगता है यहाँ से सचिन को छोड़ के भी कहीं और भागेगी? भगनी भगनी उसे आज नहीं, साल भर के बाद देखोगे आप, भग जाएगी वो 100%। अच्छा, हाँ जी, भागेगी, कोई तीसरा मिल जाएगा, भग जाएगी, कोई WW मिल जाएगा, भग जाएगी। अभी 4 बच्चे हैं, जब यहाँ से 1 साल के बाद भागेगी तो कितने बच्चे लेकर भागेगी? एक दो बच्चे तो इसके होंगे सचिन के भी। हाँ जी, चार पीछे वाले दो, ये 6 बच्चे, 4 पीछे वाले दो ये। तो जिस तरह से गुलाम हैदर परेशान हो रहा अपने बच्चों के लिए, कल को सचिन भी परेशान होगा अपने बच्चों? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल परेशान होगा, बिल्कुल परेशान होगा जी। तो क्या लगता है, जिस तरह से सीमा हैदर चली आ रही है बॉलीवुड में, जा रही है, एक फिल्म भी बनी है उस पर, और तो और फरमानी नाज जो है, जिन्होंने शंभू गाना गाया था, उन्होंने इस पे गाना भी बना रखा है। गाना बनाने वाले तो गाना बनाएंगे, उनका काम क्या हो, तो चलना चाहिए दुकान। अच्छा। दुकान चलाने गई है भैया, किसी को बुलाएंगे वो? अच्छा, हाँ जी, तो ये सारे दुकान ही चला रही है, और जो बॉलीवुड बिग बॉस 17 में बुलाया जा रहा है वो भी दुकान चलाई जा रही है। इसे कहाँ बुलाएंगे अभी? हाँ। अभी तो सब हवा मचा रहे हैं कि बुलाएंगे। हाँ। ऐसे थोड़ी बुलाएंगे। हाँ जी, ऐसे नहीं बुलाएंगे, नहीं, पब्लिसिटी चाहिए चैनल की। और क्या, कारोबार जो देश में ठप हुआ पड़ा, अगर वो ठीक होता हो, गरीब को रोटी मिलती हो तो ठीक होता हो, तो सीमा हैदर को बुलाना चाहिए। क्या वेलकम करेंगे उसका? अच्छा, सीमा हैदर के लिए देश की पूरी जनता कहती है सीमा भाभी, देश की ज्यादातर जनता यही कहती है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, जमुना के पास जो रह रहे हैं, बहुत पाकिस्तान से आए हैं, तो उनको नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही? मैम, नागरिकता को तो अलग छोड़िए, आप एक बार बताइए, आप ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर वापस जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है, कि वो इसको भी छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी? स्मृति ईरानी ने अपना आदमी छोड़ रखा है, दूसरा किया हुआ है, अगर वो भी छोड़ सकती है, तो ये तो कुछ छोटी चीज़ है, तो बेचारी जा सकती है। और फिर दूसरी बात अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपना धर्म रिलीजन सब कुछ चेंज कर सकता है आदमी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, अगर चली जाए तो कौन सी बड़ी बात है? जो वहाँ से यहाँ आ सकती है, दो दो तीन तीन बॉर्डर पार करके आ सकती है, अगर वो इसको भी छोड़ के तीसरे के पास चली जाएगी तो कोई दिक्कत थोड़ी है? अभी शादी तोड़नी पड़ेगी उसको अपनी, एक रिलेशन में रहते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। हिंदू मैरिज एक्ट क्या था? क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं मिल रही है? जो जमुना के पास रहते हैं उनको नागरिकता क्यों नहीं मिल रही है? आप अपने चैनल पे उन्हें लेके आए। अच्छा, अगर आप उन्हें अपने चैनल पे लेकर आते तो उन्हों को भी मिलती, उनकी भी पब्लिसिटी होती। इस टाइम पे सीमा हैदर ही तो छारी है। क्यों छारी है वो? क्योंकि आप लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से, जो मर्जी कह देता भाभी, क्यों कह देता उसे भाभी? हम लोग एक हैं, एक भाई है हम लोग, इसलिए सब भाभी बना रहे। अब और कोई क्यों नहीं आ रही औरत लेडीज भाभी बनने के लिए हमारी? अब कोई लेडीज आ जाए हमारे इन भैया के पास तो उसे भी हम भाभी कहेंगे। अच्छा, इनके पास आ जाए इनको भी भाभी कहेंगे। अच्छा, और कोई आ रही है भाभी बनने के लिए? अब आप जमुना के वालों को कह रहे हो, उनों के पास आप गए एक बार भी? वो पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी हैं, उनके खाने का पीने का क्या है बंदोबस्त? कुछ नहीं। वो जमुना के किनारे बेचारे 10 रुपए प्लेट कचौरी बेच रहे हैं। अच्छा, उनके बारे में कोई नहीं बोलता। सब सीमा हैदर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीमा हैदर को बुलाया भी तो जा रहा, फिल्मों में काम मिल रहा है, और तो और लोकसभा के जो चुनाव होने वाले 2024 में, उसके लिए भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं। मैडम, ये तो राजनीति हो रही है और पब्लिसिटी हो रही है। अच्छा, जैसे आप अपने चैनल की पब्लिसिटी कर रहे हैं, ऐसे नेता लोग अपने चैनल की हमारी तो करो ही मत। बिना पासपोर्ट, हम तो सिर्फ उस कचौड़ी की बात कर रहे हैं जो जमुना के किनारे पे बेच रहे हैं। अच्छा, सिर्फ उस कचौड़ी की बात कर रहे हैं। नेपाल से फिर क्या बोलेंगे? आप कचौड़ी अच्छी लगी? बिल्कुल, 10 रुपए की बढ़िया कचौड़ी बना रहे हैं वो। हम तो उनकी कहेंगे, उनका करिए ना आप कुछ, उनको दिलवाइए कुछ,
जहाँ जाते हो आप सीमा हैदर कम से कम उनकी भी बोलिए। जिस तरह से सीमा हैदर की बात चल रही है बिग बॉस 17 के लिए, वो तो वक्त ही बताएगा कि उसमें जाती हैं या नहीं जाती हैं। आपकी क्या राय है, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।